दोस्तों गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेकनेट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों UGC पहले ही अपनी गाइडलाइन जारी कर चुका है कि उसने कहा है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम हम कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तो पहले से ही हो रखे हैं, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के भी एग्जाम हम कैंसिल करके और सभी छात्रों को हम आगे क्लास में प्रमोट कर देंगे। तो ये UGC की गाइडलाइन है और उन्होंने आधार भी बताया है कि वो किस आधार पर उन्हें प्रमोट करेगा। तो उन्होंने कहा है कि सेमेस्टर में जो यानी पिछली क्लास में जो आपके नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग और जो आंतरिक मूल्यांकन जो आपके टेस्ट वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके परसेंटेज बनेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ इस प्रकार के ऐसे मेथड्स लाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। कभी कोई ऑफिसर कह देता है, कभी कोई शिक्षा मंत्री कह देता है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता, कोई भी कोई कहता है कि एग्जाम करवाना ही छात्र का सही मूल्यांकन है। तो इस प्रकार के बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसी बीच उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी का इस पर जो UGC की जो गाइडलाइंस हैं इस पर क्या फैसला है, यानी उन्होंने जब ये गाइडलाइंस उनके पास पहुंची तो उनका क्या फैसला था और साथ ही साथ उनका अब क्या फैसला होगा, उनका एग्जाम के प्रति क्या रवैया है, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज और BSc मैथ से संबंधित ऑनलाइन क्लासेस आप तक हम पहुंचाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको ले चलता हूं आपकी आज की पोस्ट की ओर। देखिए आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पोस्ट दिखाई दे रही होगी, क्या है कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी उद्बोधन परीक्षाओं को लेकर मंत्री भाटी बोले। तो मैंने आपको पहले कहा था कि UGC की गाइडलाइन इन तक पहुंच चुकी है, अब ये बोले क्या है वो सुनिएगा कि एक कमेटी ने तय कर लिया है कि परीक्षा जुलाई से ही हों। ये आपको देखिए परीक्षाओं के बारे में उन्होंने बता दिया है कि एग्जाम जुलाई से ही हों, ये कमेटी ने तय कर लिया है। एक कमेटी ने देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा केंद्रों पर WHO की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें। जो WHO ने गाइडलाइन दी है उनको सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ हालांकि भाटी ने कहा है कि UGC के निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं या हो जाएंगे, डे बाय डे कोरोना की स्थिति पर हमारी नज़र है, हम सत्र समय पर शुरू करना है, हमारी कोशिश है कि सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी रखें। यानी यहाँ से देखिए इसको सुनिए ध्यान से, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार तो कह दिया कि हमारी कोशिश है कि जुलाई में एग्जाम होंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम सत्र भी खराब नहीं करना चाहते, सत्र भी जल्द से जल्द शुरू हो नेक्स्ट सत्र। तो यहाँ पर भाटी जी ने कहा है कि आपको अपनी तैयारी रखनी है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ आप अपनी तैयारी जरूर रखें, चाहे कोई भी फैसला आए आपको थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ते रहना चाहिए, कभी एग्जाम हो गई तो आप क्या करोगे। तो यही इन्होंने कहा है कि आप अपनी तैयारी रखें, एग्जाम होना न होना अलग की बात है लेकिन आप अपनी तैयारी तो जरूर रखें। यही उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है, जो भी फैसला होगा, जो भी नई अपडेट आएगी एग्जाम से रिलेटेड, होंगे या न होंगे प्रमोट किया जाएगा, तो वो अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें इसको और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियोज़ पाने के लिए। मैं मिलता हूँ फिर इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।